राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाए और दोस्त दुश्मन, इसका कोई अंदाजा नहीं रहता। बिहार की राजनीति में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार अब 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के स्टेट पॉलिटिक्स से हटकर नेशनल पॉलिटिक्स में उड़ान भरने की तैयारी कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अरमानों को पंख लगाने में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनका साथ दे रहे हैं। दरअसल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने महागठबंधन की मीटिंग के बाद यह ऐलान कर दिया है कि साल 2025 के बिहार विधानसभा की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर भविष्य में महागठबंधन की जीत होती है तो निस्संदेह मुख्यमंत्री का सहरा तेजस्वी यादव के सिर सजेगा। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की मीटिंग चल रही थी। इस दौरान बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने मंच से महागठबंधन के नेताओं से कहा कि आने वाले साल 2025 के बिहार विधानसभा की कमान तेजस्वी के हाथों में होगी। महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी को नेतृत्व करने को लेकर आपने सर कहा है सर, अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं सर, 25 में बिहार का नेतृत्व करवे करेगा सर, एकदम करेगा, समझ गए ना। बिहार सीएम के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। वहीं इस बारे में जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो सीएम नीतीश के मार्गदर्शन में मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके सामने पहली चुनौती साल 2024 का लोकसभा चुनाव है जिसमें महागठबंधन मिलकर लड़ेगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके बाद अब आप ही को देखना है। कल फिर उन्होंने कहा कि अब नहीं, अभी तो हम लोग मिलकर के देख रहे हैं, सब लोग उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। चुनौती हम लोगों के सामने 24 की है, उस चुनौती का सामना करना है, आगे आगे का बात आगे है, देखा जाएगा। गौरतलब है कि तेजस्वी ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का नेतृत्व किया था जिसने अच्छा प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और उनके महागठबंधन को बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी। नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि कुछ ही समय बाद दोनों दलों में दरार पड़ गई थी और नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। बहरहाल जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन सरकार बनने के बाद से राज्य के सियासी गलियारों में गाहे बगाहे ये चर्चा होती रहती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नीतीश केंद्रीय राजनीति का रुख करेंगे और राज्य की कमान तेजस्वी के हाथों आ जाएगी। खैर, बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये तो काफी दिलचस्प है और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।